बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सांदल कॉलेज बॉयज सेक्शन ऑनलाइन क्लास फर्स्ट ईयर डियर स्टूडेंट्स वालेकुम हेयर इज अख्तर सईद योर इंग्लिश टीचर वी विल डिस्कस लेसन नंबर सेवन ऑफ इंग्लिश बुक वन फर्स्ट ईयर द नेम ऑफ़ द लेसन इज द यूस ऑफ फोर्स यहां हम इसको की साउंड के साथ प्रोनाउंस करेंगे यूस क्योंकि ये नाउन के तौर पे यहाँ इस्तेमाल हुआ है अगर ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो तो फिर हम इसको जी की साउंड के साथ प्रोनाउंस करेंगे यूज यहाँ द यूज ऑफ फोर्स ताकत का इस्तेमाल बिफोर एम वाकिंग ऑन द लेसन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ द यूज़ ऑफ फोर्स के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं मैंने उनके आंसर्स नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं आप इस वीडियो लेक्चर के बाद वो भी देख सकते हैं विल स्टार्ट ऑन पेज नंबर फोर्टी फोर ऑनवर्ड्स द यूज ऑफ फोर्स हैज़ बी रिटन बाई विलियम कार्लस विलियम्स Who is an American poet, writer, physician? Closely associated with modernism and imagism. He has a long career as a physician, practicing both pediatrics and general medicine. Today's short story, The Use of Force, was first published in his short story collection, Life Along the Passaic River, 1938. Now, I would like to discuss the brief summary of today's short story, The Use of Force. Number one, the story is narrated in the first person by a doctor who is making a house call to examine a small sick girl. Number two, the doctor feels that she has high fever as her face is flushed and she is breathing rapidly. Number three, as diphtheria has spread about, he decides to examine her throat first but she refuses to open her mouth. Number 4, the doctor uses force to restrain her and examine her throat with a spoon which angers the girl. Number 5. The doctor finds that against her own self-interest, the girl has hidden the symptoms of diphtheria from her parents as well as the doctor. Number 6. The overall theme of the story revolves around power and submission. Now let's discuss the story in detail. Dear students, page number forty-four of your textbooks, the use of force. Please come down as soon as you can. My daughter is very sick. बराहे मेहरबानी, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप आ जाएँ. मेरी बेटी बहुत बीमार है. When I arrived, I was met by the mother. यहाँ I important MCQ है. और द मदर हु इज़ आई इन द स्टोरी द आंसर इज़ द डॉक्टर होम डेट द डॉक्टर मीट द मदर जब मैं पहुंचा तो मेरी मुलाकात बच्ची की वालदा से हुई अ बिग स्टार्टर्ड लुकिंग वुमन स्टार्टर्ड खौफसदा फ्राइटनड अलामड शॉक्ड एक कद खौफसदा नज़र आने वाली ख़ातून वेरी क्लीन एंड अपोलोजेटिक बहुत साफ सुथरी और माजरत खा अपोलोजैटिक रिग्रेटफुल सॉरी हु मेयरली सैड जिसने महज ये कहा इज दिस द डॉक्टर क्या ये मालिज है एंड लेट मी इन और मुझे अंदर ले गई जब मैं पहुंचा तो मेरी मुलाकात बच्ची की वालदा से हुई एक दराज़ कद खौफसदा नज़र आने वाली ख़ातून बहुत साफ सुथरी और माजरत खा जिसने महज ये कहा क्या ये मालिज है और मुझे अंदर ले गई शीडिड उसने मज़ीद कहा यू मस्ट एक्सक्यूज़ अस डॉक्टर वी हैव हर इन द किचन वेयर इट इज़ वॉम यह भी एक इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू है आप हमें मुआफ़ कीजिएगा मालिज साहिब हमने उसे बावरची खाने में बिठाया हुआ है जहां हरारत है इट इज वेरी डैम्प हियर डैम मीन्स मॉइस्ट यहां कभी कभार बहुत नमी होती है द चाइल्ड वॉज़ फ़ुली ड्रेस्ड बच्ची ने मुकम्मल लिबास पहना हुआ था एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप नीयर द किचन टेबल और वो बावची खाने की मेज़ के नज़दीक अपने वालद की गोद में बैठी हुई थी यह भी एक इम्पोर्टेंट एम सी क्यू है वेयर वॉज द गर्ल सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप ही ट्राइड टू गेट अप उसने उठना चाहा बट आई मोशन फॉर हिम नॉट टू बॉर्डर मोशनड इशारा किया सिग्नल्ड जेस्चर्ड उसने उठना चाहा लेकिन मैंने इशारा किया कि वो जहमत ना करें आई कुड सी दैट दे वर ऑल वेरी नर्वस आई मी अप एंड डाउन डिसट्रस्टफुली डिसट्रस्टफुली डाउटफुली सस्पिशसली किसी कदर शक के साथ मैं देख सकता था कि वो तमाम बहुत घबराए हुए थे और मुझे बेयकीनी के साथ ऊपर से नीचे तक देख रहे थे एज़ ऑफन इन सच केसेस जैसा कि के ऐसे मामलत में अक्सर होता है वर नॉट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू वो मुझे उतना नहीं बता पा रहे थे जितना उन्हें चाहिए था इट वॉज़ अप टू मी टू टेल दैम ये मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं उनको बताऊँ दैट्स वाई वर स्पेंडिंग थ्री डॉलर्स ऑन मी यही वजह है कि वो मुझ पर तीन डॉलर खर्च कर रहे थे यानी डॉक्टर की फीस थी जो वो दे रहे थे उसे तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी थी कि वो उनको बताए कि उनकी बच्ची के साथ क्या मामला है डियर स्टूडेंट्स दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू द चाइल्ड वॉज फेयरली फेयरली मीन्स क्लियरली ईटिंग मी अप विद हर कोल्ड स्टेडी आइज स्टेडी मीन्स फिक्सड स्टेबल कोल्ड का यहाँ मतलब होगा जालमाना लड़की ने साफ तौर पर अपनी जालमाना खा जाने वाली नज़रें मुझ पर जमाई हुई थी आप इसको यूँ भी कर सकते हैं लड़की साफ़ तौर पर अपनी ज़ालमाना खा जाने वाली नज़रों से मुझे टिकटकी बांध के देखे जा रही थी एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वटैवर और उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था शी डिट नॉट मूव एंड सीम्ड इन वर्डली क्वाइट वो अपनी जगह से ना ही ली और वो अंदरूनी तौर पर पुरस्कून नज़र आ रही थी एन अनयूजली अनयूजली रिमार्कबली गैर मामूली अट्रैक्टिव ब्यूटिफुल खूबसूरत लिटल थिंग एक मामूली ख़ूबसूरत नन्नी मुन्नी बच्ची एंड एज स्ट्रॉ एज़ अफ़र इन अपेयरेंस और वह दिखने में गाय की बचिया की तरह ताकतवर बट हर फेस वॉश फ्लैश्ड लेकिन उसका चेहरा सुरख था फ्लैश्ड रेड फेस्ड शी वॉज़ ब्रीदिंग रेपिडली एंड आई रियलाइज दैट शी हैज़ हेड अ हाई फीवर उसका चेहरा सुरख था और वो तेज़ तेज़ सांस ले रही थी और मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसे तेज़ बुखार है शी हैड मैगनीफिस मैग्नीफिसेंट मीन्स स्पलेंडिड बलोंड बलोंड मीन्स गोल्डन सुनहरी हेयर गोल्डन हेयर बलोंड हेयर इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू है इन प्रोफ्यूजन प्रोफ्यूजन मीन्स अबंडस घने उसके शानदार घने सुनहरी बाल थे वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन ऑफन रीप्रोड्यूसड इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स एडवरटाइजिंग मीन्स पब्लिसिटी प्रमोशन एंड द फोटोग्राफर सेक्शंस ऑफ संडे पेपर्स वो उन तस्वीरी बच्चों में से थी जिन्हें अक्सर इश्तहारी औराक और संडे के और इतवार के अखबारात के तस्वीरी हिस्सों में पेश किया जाता है शी हैज़ हैड अ हाई फीवर ये भी ट्रांसलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है शी हेज़ हैड अ फ़ीवर फॉर थ्री डेज़ बिगैन द फादर इसको तीन दिन से बुखार है बाप ने बात का आगाज़ करते हुए कहा एंड वी डोंट नो वट इट कम्स फ्राम और हम नहीं जानते कि ये कहाँ से आया है माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स यू नो लाइक पीपल डू जैसा कि लोग करते हैं मेरी बीवी ने इसको कई चीज़ें दी बट इट डजेंट ड एनी गुड लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ आप यूँ भी कह सकते हैं लेकिन उससे कोई अफाका नहीं हुआ एंड देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ सिकनेस अराउंड और यहाँ इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है सो वी थॉट यू हैड बेटर लुक हर ओवर एंड टेलस वाट द मैटर इज़ लिहाजा हमने सोचा कि बेहतर है कि आप इसका मुआना करें और हमें बताएं कि क्या मामला है एज डॉक्टर्स ऑफन डू जैसा कि मौलजीन अक्सर करते हैं आई टोका ट्रायल शॉट एट इट टोका ट्रायल शॉट एट इट का मतलब होता है गेस्ट मैंने अंदाज़ा लगाया एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर आगाज करने के तौर पर जैसा कि अक्सर मौलजीन करते हैं मैंने नकतः आगाज़ के तौर पर या शुरुआत करने के तौर पर अंदाजा लगाया हैज़ शी हैड अ सोर थ्रोट क्या इसका गला ख़राब है बोथ पेरेंट्स आंसर्ड मी टुगेदर माँ बाप दोनों ने मुझे इकट्ठे जवाब दिया नो नो शी सेज़ हर थ्रोट डजेंट हर्ट हर नहीं नहीं इसका कहना है कि इसका गला नहीं दुखता है ये वाला पैराग्राफ पंक्चुएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है डज योर थ्रोट हर्ट यू एडिट द मदर टू द चाइल्ड क्या आपका गला दुखता है माँ ने बच्ची से पूछा बट द लिटल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिडेंट चेंज नार डिड शी मूव हर आइज़ फ्राम माई फेस लड़की के तासुरात तब्दील ना हुए और ना ही उसने मेरे चेहरे से अपनी नज़रें हटाईं हैव यू लुकड क्या आपने देखा ये असल में डॉक्टर ने पूछा हैव लुकड क्या आपने देखा आई ट्राई टू सेट द मदर बट आई कूडेंट सी मैंने कोशिश की वालदा बोली लेकिन मैं देख नहीं पाई as it happens we had been having a number of cases of diphtheria in the school to which this child went during that month itifak say usma us school me wo bachi padhne ke liye jaati thi, ख़ुरनाक के बहुत सारे वाक़ हमारे सामने आए थे वी वर ऑल क्वाइट अपेरेंटली थिंकिंग ऑफ दैट अपेरेंटली मीनस सीमिंगली आउटवर्डली ये पर्पल कलर में है तो मैं आपको बताता चलूँ ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मुझे आज ज्वाइन किया है कि पर्पल कलर में जितने भी वर्ड्स मेरे पेज पर पे होंगे ये आपकी एमडी कैट वोकेबलरी में शामिल हैं तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम्स आप कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए एंड वी वर ऑल क्वाइट अपेरेंटली थिंकिंग ऑफ दैट और हम सब बज़ाहर उसी के बारे में सोच रहे थे दो नो वन हैड एज जेट स्पोकन ऑफ द सिंग अगरचे किसी ने अभी तक उसके बारे में बात नहीं की थी वेल आई सेड अच्छा मैं बोला सपोज वी टेक अ लुक एट द थ्रोट फर्स्ट चलें पहले उसके गले को देखते हैं आई स्माइल्ड इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर प्रोफेशनल मीन्स स्किल्ड एक्सपर्ट पेशा वाराना मैं अपने इंतहाई पेशा वाराना अंदाज में मुस्कुरा दिया एंड आस्किंग फॉर द चाइल्ड्स फर्स्ट नेम आई सेड और बच्ची का पैदाइशी नाम पूछते हुए मैं बोला कम ऑन मेथल्डा ओपन योर माउथ एंड लेट्स टेक अ लुक एट योस रोट आए मथल्डा अपना मुंह खोलें और हमें आपका गला देख दिखाएं नसिंग डूइंग कुछ भी नहीं कर रहा आ कमान चलें आए आई कोक्स्ड कोक्स्ड एनटाइस्ड कैजोल्ड फ्लैटर्ड पुचकारते हुए मैंने प्यार से पुचकारते हुए कहा जस्ट ओपन योर माउथ वाइड अपना मुंह खोलें एंड लेट मी टेक अ लुक और मुझे एक नज़र देखने दें लुक देखें आई सेड ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड मैंने अपने दोनों हाथ खोलते हुए कहा आई हैवेंट एनी थिंग इन माई हैंड्स मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है जस्ट ओपन अपना मुँह खोलें एंड लेट मी सी और मुझे देखने दें सच अ नाइस मैन कितने अच्छे आदमी हैं द मदर माँ ने लुकमा देते हुए कहा लुक हाउ काइंड ही इज़ टू यू देखें आपके साथ कितनी मेहरबानी से पेश आ रहे हैं कमान डू वट ही टेल्स यू टू आए जो वो करें जो वो आपसे करने के लिए कहते हैं ही वॉन्ट हर्ट यू वो आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे एट दैट आई ग्राउंड माई टीथ इन डिसगस्ट ग्राउंड मीन्स पीस ना नेश्ट डिसगस्ट नफ़रत हकारत लोदिंग डिटेस्टेशन इस बात पर मैंने हकारत से अपने दांत पीसे इफ़ ओनली दे वुडेंट यूज़ द वर्ड हर्ट आई माइट बी एबल टू गेट समवेयर अगर वह महज लफ्ज़ तकलीफ़ इस्तेमाल ना करते तो शायद मैं किसी नतीजे पर पहुँचने में कामयाब हो जाता बट आई डिड नाट अलाउ माई सेल्फ टू बी हरीड आर डिस्टर्बड लेकिन मैंने अपने आप को जल्दबाजी करने और परेशान होने से रोका बट स्पीकिंग क्वाइटली एंड स्लोली अप्रोच्ड द चाइल्ड अगेन अप्रोच्ड केम नर लेकिन धीमे और नरमी के साथ बात करते हुए मैं दोबारा बच्ची के पास पहुंचा। ये पैरा ट्रांसलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है एज़ आई मूव्ड ट माई चेयर आ लिटल नियर जूँ ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी नज़दीक की सडनली विद वन कैट लाइक मूवमेंट बोथ्स हर हैंड्स क्लॉड क्लॉड मीन्स नोचना स्क्रैच्ड इंस्टिंक्टिवली, इम्पलसिवली आटोमेटिकली जबिली तौर पर या फितरी तौर पर फॉर माई आइज़ जूँ ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी नज़दीक की अचानक किसी बिल्ली की हरकत की तरह उसके दोनों हाथ ज बिल्ली तौर पर मेरी आँखों को नोचने के लिए बढ़े एंड शी ऑलमोस्ट रीच्ड दैम टू और वो उन तक तकरीबन पहुँच भी गई थी इन फैक्ट शी नॉक्ड माई ग्लासेस फ्लाइंग हकीकत में उसने हाथ मार कर मेरी एनक उड़ा दी एंड दे फेल दो अनब्रोकन सेवरल फीट अवे फ्राम मी ऑन द किचन फ्लोर और वो तो अगरचे टूटी तो नहीं लेकिन मुझसे कई कदम दूर बावरची खाने के फर्श पर जागिरी बोथ द मदर एंड फादर ऑलमोस्ट टर्नड देम सेल्व इन साइड आउट इन एम्बेरसमेंट एम्बेरसमेंट डिसकम्फर्ट शेम शर्मिंदगी एंड अपोलॉजी अपोलॉजी माजरत रिग्रेट शर्मिंदगी और माजरत के मारे दोनों माँ बाप का बुरा हाल हो गया यू बैड गर्ल बदतमीज़ लड़की सैड द मदर टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म उसको बाज़ू से पकड़ पकड़ कर झंझोड़ते हुए माँ बोली लुक यू वट यू हैव डन नाइस मैन देखें आपने ये क्या कर दिया है कितने उम्दा आदमी हैं ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हैवन सेक खुदा का वास्ता आई ब्रोकिन मैंने बात काटते हुए कहा डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर मुझे उसके सामने अच्छा आदमी मत कहें आई एम हेयर टू लुक एट हर स्रोट आन द चानस डैट शी माइट हैव डिफेरिया एंड पॉसिबली डाई ऑविट मैं यहाँ उसका गला देखने आया हूँ इस ख्याल से कि उसे ख़ुर्नाक हो सकता है और वो मुमकिन तौर पर इसकी जान ले सकता है बट दैट इज़ नथिंग टू हर लेकिन इस बात से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लुक हेयर इधर देखें आई सेट टू द चाइल्ड मैंने बच्ची से कहा वी आर गोइंग टू लुक एट योर स्त्रोट हम आपका गला देखना चाहते हैं यू आर ओल्ड एनफ टू अंडरस्टैंड वट आई एम सेंग आप इतनी बड़ी ज़रूर हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसको समझ सकें वेल यू ओपन इट नाउ बाई योर सेल्फ आर शेल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू क्या आप अपना मुँह ख़ुद खोलेंगी या हमें आपके लिए इसको खोलना पड़ेगा नोट अ मूव कोई हरकत ना हुई इवन हर एक्सप्रेशन हैड एंड चेंज हती उसके चेहरे के तासरात भी ना बदले हर ब्रेथ्स हाउ एवर वर कमिंग फास्टर एंड फास्टर अलबत् उसकी सांस और तेज़ से तेज तर हो गई देन द बैटल बिगैन तब जंग शुरू हो गई तब महाज़ आराई शुरू हो गई आई हैड टू डू इट मुझे ऐसा करना पड़ा आई हैड टू हैव अट कल्चर फॉर हर ओन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन सेफ्टी मुझे उसकी अपनी हिफाजत के लिए उसके गले का साइंसी मुता करना था या आप यूँ भी कह सकते हैं मुझे उसकी अपनी हिफाजत के लिए उसके गले की जरासीमी परवरिश चाहिए थी बट फर्स्ट आई टोल्ड द पेरेंट्स दैट इट वॉज एंटायरली अप टू दैम इन्टायरली मुकम्मल तौर पर लेकिन पहले मैंने वालदे से बात की कि इस बात का मकम्मल तौर पर इहिसार उन पर है आई एक्सप्लेंड द डेंजर मैंने ख़तरे की वजाहत कर दी बट सैड दैट आई वुडेंट इंसिस्ट आन असरोट एग्ज़मिनेशन लेकिन मैंने कहा कि मैं उस वक्त तक गले के मुआइने पर इसरार नहीं करूँगा एज़ लॉन्ग एज दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक कि वो ख़ुद इस बात की ज़िम्मेदारी ना लें लेकिन मैंने कहा कि जब तक आप ख़ुद इस बात की ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे मैं गले के मुआइने पर इसरार नहीं करूँगा If यू डोंट डू what द डॉक्टर सेज़ यू वेल हैव टू गो टू दॉस्पिटल अगर आप ऐसा नहीं करेंगी जैसा कि मालिद साहब आपसे कहते हैं तो फिर आपको हस्पताल जाना पड़ेगा द मदर एडमोनिस्ट हर स्वेयरली एडमोनिस्ट डांटना स्कॉल्डिड रिब्यूक्ड माँ ने सख्ती से उसे डांटते हुए कहा पुट हर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर लैब आई ऑर्डर्ड अब अप इसे अपने सामने अपनी गोद में बिठाएँ मैंने हुक्म देते हुए कहा एंड होल्ड बोस हर रिस्ट्स और इसकी दोनों कलाइयों को सख्ती से पकड़ लें बट एज सन एज ही डिड द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम स्क्रीम मीन्स श्रीक्ड स्क्रीच्ड लेकिन जूँ ही उसने यानी उसके वालद ने ऐसा किया तो बच्ची ने एक चीख मारी डोंट नहीं करो यू आर हर्टिंग मी आप मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं लेट गो ऑफ माई हैंड्स मेरे हाथों को छोड़ दो लेट देन गो आई टेल यू मैं आपसे कहती हूं, इनको छोड़ दें देन शी श्रीकड टेरीफाइंगली हस्टेरिकली टेरीफाइंगली खौफनाक तरीके से ड्रेडफुली हस्टेरिकली वाइल्डली मैडली जुनूनी अंदाज से फिर वो जुनू खौफनाक जुनूनी अंदाज से चीखने लगी स्टॉप इट रुक जाओ यू आर किलिंग मी आप मुझे मार रहे हैं यहां से ये लाइनें पंक्चुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर क्या आप समझते हैं कि ये इसे बर्दाश्त कर लेगी मुआलिज? सेट द मदर माँ बोली यू गेट आउट आप परे हट जाएं, सेट द हस्बैंड टू हिज वाइफ खामंद अपनी बीवी से बोला डू यू वांट हर टू डाई ऑफ टिफ्थेरिया क्या आप चाहती हैं कि यह खुनाक से मर जाए कम आ नाउ होल्ड हर आए इसे पकड़ें आई सेड मैं बोला दिस पैराग्राफ इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू देन आई ग्रेस्प्ड ग्रेस्प्ड क्लचड पकड़ना द चाइल्ड्स हैड विद माई लेफ्ट हैंड फिर मैंने अपने बाएँ हाथ के साथ बच्ची के सर को मजबूती से पकड़ लिया एंड ट्राइड टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ और लकड़ी के जबान दबाने वाले आले को उसके दांतों में देने की कोशिश की शी फॉट विद कलेंच टीथ क्लेंच टाइटन कंप्रेस्ड भिंचे हुए दांतों के साथ डेस्परेटली ग्रेटली वायोलेंटली, बेजिगरी के साथ वो भिंचे हुए दांतों के साथ बेजिगरी से लड़ी बट नाउ आई ऑल्सो हैड ग्रोन फ्यूरियस फ्यूरियस टैश गुस्सा लेकिन अब मुझे भी गुस्सा आ गया था एट अ चाइल्ड वो भी एक बच्ची पर लेकिन अब मुझे भी गुस्सा आ गया था वो भी एक बच्ची पर आई ट्राइड टू होल्ड माई सेल्फ डाउन बट आई कुडंट मैंने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन मैं ऐसा ना कर सका आई नो हाउ टू एक्सपोज कि गले को मुआइने के लिए कैसे खोला जाता है एंड आई डिड माई बेस्ट और मैंने अपनी बेहतरीन कोशिश की वैन फाइनली आई गॉट द वुडन स्पैचुला बिटवीन द लास्ट टीथ और जब आखिरकार मैं उस लकड़ी के आले को आखिरी दांतों के पीछे धकेल चुका एंड जस्ट द पॉइंट ऑफ इट into द mouth कैविटी कैविटी मीन्स गैप ओपनिंग और उसकी नोक को उसके हलक में दे चुका शी ओपनडअप फॉर एन इंस्टेंट उसने एक लम्हे के लिए मुंह खोला एंड बिफोर आई कुड सी एनी लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ देख सकता शी केम डाउन अगेन उसने दोबारा मुंह बंद कर लिया एंड ग्रिप्ट द वुडन ब्लेड बिटवीन हर मोलर्स और लकड़ी के ज़बान दबाने वाले आले को अपनी दाड़ों में जकड़ लिया शी रिड्यूस्ड इट टू स्पलेंटर्स प्लेंटर्स पीसीज उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए बिफोर आई कुड गेट इट आउट अगेन इससे पहले कि मैं उसे बाहर निकाल पाता उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए आट यू अशेम्ड? क्या आपको शर्म नहीं आती है द मदर यट हर माँ ने उस पर धाड़ कर कहा आर्ट यू अशेम्ड टू एक्ट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर एक मालिद साहब के सामने इस तरह से करते हुए आपको शर्म नहीं आती है गेट मी अ स्मूथ हैंडल्ड स्पून ऑफ सम sort. मुझे किसी किस्म का सीधे दस्ते वाला चमच ला कर दें आई टोल्ड द मदर मैंने माँ से कहा वी आर गोइंग थ्रू विद दिस हमें यह अमल कर गुजरना है द child's माउथ was ऑलरेडी ब्लीडिंग बच्ची के मुँह से पहले ही खून बह रहा था हर टांग was कट एंड शी वॉज स्क्रीमिंग इन वाइल्ड हिस्टेरिकल श्रीक्स वाइल्ड मीन्स मैड हिस्टारिकल मीन्स फ्रेनेटिक फ्रजीड बच्ची की ज़ुबान जख्मी हो गई थी और वह वहाना जुनूनी अंदाज में चीख रही थी पर आई शुड हैव डिजिस्टिड डिजिस्ट मीन्स स्टॉप्ड एंड कम बैक इन एन आर आर मोर शायद मुझे रुक जाना चाहिए था और एक दो घंटों में वापस आ जाना चाहिए था नो डाउट इट वुड हैव बिन बैटर यकीन ये बेहतर होता बट आई हैव सीन एट लीस्ट टू चिल्ड्रन लाइंग डेड इन बेड ऑफ निगलैक्ट इन सच केसेज लेकिन मैं कम अज़ कम दो बच्चों को ऐसी सूरत हाल में गफलत की वजह से बिस्तरे मरग पर देख चुका था

मेरी भी मत मारी गई थी गाट बी रीज़न एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है मैं भी मेरी भी मत मारी गई थी मेरी भी अक़ल मारी गई थी आई कुड हैव टॉन द चाइल्ड अ पार्ट इन माई ओन फ्यूरी एंड इन्जॉयड इट मैं अपने ही गुस्से में मैं अपने ही तैश में बच्ची को चीर फाड़ सकता था और उससे लुत्फानंदोज़ हो सकता था इट वॉज़ अ प्लेजर टू अटैक हर उस पर हमला करना खुशी की बात थी माई फेस वॉस बर्निंग विद इट मेरा चेहरा इससे तप रहा था मेरा चेहरा इससे जल रहा था इन द फाइनल अन रीजनिंग एसॉल्ट रीजनिंग इ लॉजिकल इैशनल गैर दानशमंदाना गैर अक्लमंदाना नामाकूल असॉल्ट एसॉल्ट मीन्स हमला अटैक आई ओवर पावर्ड ओवर पावर्ड हेल्ड पकड़ना जकड़ना द चाइल्ड्स नेक एंड jaws, अपने आखिरी गैर दानिशमंदाना हमले में मैंने बच्ची की गर्दन और जबड़ों को काबू में किया आई forced द हैवी सिल्वर स्पून बैक ऑफ हर टीथ मैंने चांदी के भारी चमच को उसके दांतों के पीछे धकेला एंड डाउन हर till she गैग्ड gagged मीन्स gagged vomited, मैंने चांदी के भारी चमच को उसके दांतों के पीछे और नीचे गले तक धकेला जहां तक के उसे उबकाई आ गई एंड देयर इट वॉज और वहां क्या था बोथ टॉन्सल कवर्ड विद मेम्ब्रेन उसके दोनों हदूद जरासीमी झिल्ली से ढके हुए थे शी हैड फॉट वैलियंटली वैलियंटली मीनस ब्रेवली बहादुरी से टू कीप मी फ्राम नोइंग हर सीक्रट अपने uh, राज को मुझसे छुपाने के लिए वो बड़ी बहादुरी से लड़ी थी शी हैड बीन हाइडिंग दैट सोर्थ रोट फॉर थ्री डेज एट लीस्ट वो कम अज कम तीन दिनों से अपने ख़राब गले को छुपा रही थी एंड लाइंग टू हर पेरेंट्स इन ऑर्डर टू एस्केप एस्केप मीन्स फ्ली अवॉइड बचना जस्ट सच एन आउटकम एज़ दिस इस तरह के अंजाम से बचने के लिए वो अपने वालदे से झूठ बोल रही थी वो कम से कम तीन दिनों से अपने ख़राब गले को छुपा रही थी और इस तरह के नतीजे से बचने के लिए वो अपने वालदे से झूठ बोल रही थी नाव ट्रूली शी वॉज़ फ्यूरियस अब वो यकीन सही मानों में गुस्से में थी तैश में थी शी हैडमिन आन द defensive बिफोर इससे पहले वो दिफा कर रही थी बट नाव शी अटैक्ट लेकिन अब उसने हमला कर दिया ट्राई टू गेट आव गेट ऑफ़ हर फादर्स लैप एंड फ्लाई एट मी वाइल टीयर्स ऑफ़ डिफीट ब्लाइंडड हर आइज़ उसने अपनी वालद की गोद से निकल कर मुझ पर चर दौड़ने की कोशिश की लेकिन शिकस्त के आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया दैट्स ऑल ऑफ़ टूडेज लेक्चर डियर स्टूडेंट्स आपने देखा बाज़ात बच्चों की अपनी बेहतरी के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है लेकिन डॉक्टर साहब का भी इस कदर ग़ुस्से में आ जाना तैश में आ जाना मेरा ख़्याल है कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है आई होप डियर स्टूडेंट्स you might have understood the lesson if you have any problem if you have any question you may comment in the comment section below i'll be there inshallah to answer your questions and before leaving i want to tell you that all the short questions of textbook exercise of the use of force have been given in the description link below you can consult that also till some next lecture take a very good care of yourself and your dear ones thank you very much